उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, कहीं ना कहीं चाहे आप कप्तानी कहिए या बल्लेबाजी कहिए, दोनों ही मोर्चों पे वो विफल नजर आ रहे हैं। विफल नजर आ रहे हैं उनके पिच, जो कप्तानी के डिसीजन थे, जो उन्होंने डिसीजन लिए थे वो भी कुछ अच्छे नजर नहीं आए थे। देखना होगा कि आज किस तरीके से वो महेंद्र सिंह धोनी के विरुद्ध आज किस तरीके से वो आज ये मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का। तो बता दें, देखिए दोनों ही टीमें जो है वो लगभग तैयार हो चुकी हैं मैदान में उतरने के लिए। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम जो है फील्डिंग में सेट होने के लिए तैयार होती दिख रही है, तो दूसरी ओर जो बल्लेबाज फर्स्ट डाउन उतरेंगे शुभम गिल और सुनील नारायण, वो भी तैयार दिख रहे हैं। और आपने दर्शकों को बता दूं कि दोनों ही टीम में कोलकाता और चेन्नई के बीच में 20 मैच खेले गए हैं, जिसमें कि 7 मैच कोलकाता ने जीते हैं और 13 मैच चेन्नई ने जीते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चेन्नई कितने आगे हैं, तो कोलकाता को जो वो रन रेट है, जो जीत की जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, उसको आज के मैच में जीत के आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल, देखिए आज यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में जो टीम खेल रही है चेन्नई सुपर किंग, आज इनको यहाँ से जीत कर अपने लय को आगे बरकरार रखना होगा। ये यहाँ पे देखने वाली बात होगी किस तरीके से आज महेंद्र सिंह धोनी परफॉर्म करते हैं अपनी टीम के साथ, किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बल्लेबाज शुरुआती क्रम के अच्छे हैं, लेकिन आज आपको अपने फॉर्म में बदलाव लाना होगा। ये एक अनुभवी खिलाड़ी कप्तान है, जब कप्तान जब अच्छा नहीं खेलेगा तो पूरी टीम वो कहीं ना कहीं मजबूत नहीं नजर आती। कप्तान का अच्छा प्रदर्शन हो तो टीम में अच्छा प्रभाव जब पड़ता है। बिल्कुल, देखिए कप्तान का प्रभाव जिस तरीके से आपने बताया कि कप्तान जिस तरीके से खेलता है एक टीम का मनोबल बढ़ाता है, टीम को चीयर अप करता है, उसका खुद का प्रदर्शन टीम में अहम एक दर्जा रखता है। नितिन, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम के लिए एक अहम पारी, एक अहम लक्ष्य तक टीम को ले जाते हैं, हालांकि पिछले मैचों से ही उनका प्रदर्शन अच्छा हुआ है, शुरुआती मुकाबलों में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी महेंद्र सिंह धोनी की टीम और महेंद्र सिंह धोनी खुद, तो आखिरी मुकाबले मतलब ये जो इन मुकाबले से जो पिछले मुकाबले होते हैं उनमें प्रदर्शन अच्छा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का। और बताने कि चेन्नई के अभी तक 5 मैच हो चुके हैं लगातार, उन्होंने पहला मैच जीता मुंबई से और उसके बाद लगातार 3 मैच हार गई और चौथा मैच जो पिछला मैच है वो जीता। बिल्कुल, चेन्नई बिल्कुल चाहेगी कि जो अपना जीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहे, क्योंकि 3 मैच हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग का दबाव था वो ज्यादा था। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि देखिए चौथे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है जो कि फिलहाल बैटिंग करेगी और पांचवें स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। तो नितिन देखिए चौथा और पांचवें स्थान पर है, ऊपर दोनों बराबर समांतर है, लेकिन 4-4 पॉइंट्स के साथ है, समांतर है, लेकिन यहाँ पे फर्क जो है वो ये है कि देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 4 मुकाबले खेले थे जिसमें कि 2 में उन्होंने जीत हासिल करी है, वहीं 2 उनको गंवाने पड़े हैं, तो दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने 5 मुकाबले खेले हैं जिनमें से उन्होंने 2 में जीत हासिल करी है, वहीं पे 3 मुकाबलों में वो हारे हैं भाई। और कोलकाता की बात करें, उन्होंने पहले मैच हारा फिर हारे, पहले जीते फिर हारे, फिर जीते फिर हारे, पिछले मैच उन्होंने जीता, तो आज के मुकाबले में वो जीतना चाहेंगे। और वो लगातार कम चेन्नई की बात करें, चेन्नई लगातार दबाव में थी, 3 मैच हारने के बाद उन्होंने पिछला मैच जीता, जिसके बाद वही लय में वो रखना चाहेंगे, क्योंकि 3 मैच हारने के बाद पूरी टीम दबाव में थी। अच्छा पिछला जो मैच था अच्छा प्रदर्शन किया वॉटसन ने भी और डिप्लीसी में, और डिप्लीसी हर मैच में लगातार रन बना रहे हैं, तो यहां से वो चाहेंगे कि अब वो हार का सामना ना करें, लगातार उनको जीत का सामना जी प्रदर्शन अहम होगा दोनों ही खिलाड़ियों का। देखिए इसी के साथ नितिन अगर गेंदबाजों की बात करें तो जो कोलकाता नाइट राइडर्स के शिवम मावी हैं, नितिन भूल नहीं सकते पिछले मुकाबलों में उन्होंने जिस तरीके से विकेट को चटकाया था वो अहम था। उन्होंने कहीं ना कहीं देखे बल्लेबाजी पहले करके जब वो दोबारा गेंदबाजी पर आए थे तो शिवम मावी ने एक अहम किरदार अपनी टीम के लिए निभाया था, बड़े विकेट झटके थे जिसके चलते दिनेश कार्तिक ने उनको उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुए और उनको एक अहम गेंदबाजी के रूप में वो देखने लगे हैं फिलहाल। तो चाहेंगे कि आज के मुकाबले में भी गेंदबाजी की बात करें तो वो जो है एक अहम किरदार, एक अहम प्रदर्शन टीम के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, और आज की बॉलिंग भी बहुत शानदार देखने को मिलेगी दोनों तरफ से, चाहे वो आप चहल की बात करें, चाहे आप वो रविंद्र जडेजा की बात करें, बॉलर में भी बहुत शानदार बॉलर है चेन्नई के पास, अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो कोलकाता के बल्लेबाजों को भी देखना होगा कि आज के मुकाबले में सामने जो बॉलर हैं वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये प्रदर्शन अहम होगा दोनों ही टीम का। तो नितिन इसी के साथ अगर हम बता दें तो यहाँ पे देखिए
लाइव अपडेट जो है, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का निर्णय कराया। तो इसी के साथ देखिए यहाँ पे सामने खेलने के लिए आ चुके हैं, मैदान पर दोनों ही टीम आ चुकी हैं, उपस्थित हो चुकी हैं। इस तरीके से पूरे मैदान में चेन्नई सुपर किंग्स के जो फील्डर हैं वो फैल चुके हैं और सामने बल्लेबाजी करने के लिए जो उतारे गए हैं वो आपके शुभम गिल हैं और राहुल त्रिपाठी। और दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही, देखिए यहाँ पे बदलाव करा गया है, राहुल त्रिपाठी को भेजा गया है शुभम गिल के साथ, जहां पर कि सुनील नारायण या फिर आंद्रे रसल आते थे। नारायण की बात करें वो चौथे पांचवे पायदान पर आने वाले खिलाड़ी हैं, पर इस मैच में उन्होंने, हम पिछले के टूर्नामेंट की बात करें, अच्छी पारी को साथ नहीं दिया था, पर देखना अब ये होगा कि आज के मुकाबले में जब नई पारी आई है, नए दो खिलाड़ी आए, तो यहां से मुकाबला किस और जाता है। बिल्कुल नितिन, देखिए पारी का यहां पे जिस तरीके से दोनों ही प्रदर्शन होगा, एक अच्छी पारी खेलनी होगी आज इन कोलकाता के खिलाड़ियों को, क्योंकि इनका प्रदर्शन अहम होगा। नितिन यहाँ पे जो राहुल त्रिपाठी हैं इनको आज उतारा गया है शुभम गिल के साथ, तो किस तरीके से उनके साथ रणनीति बनाते हुए अपनी टीम को एक अच्छे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं ये यहाँ पे आज देखना होगा। देखिए इसी के साथ पहला ओवर जो डालने जा रहे हैं वो आपके दीपक चहर डालेंगे। नितिन जी, लाइव अपडेट पल पल के हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, मैच शुरू हो चुका है, गेंदबाजी के लिए दीपक चहर पहले ओवर में उतार दिए गए हैं, सामने राहुल त्रिपाठी और शुभम गिल आ चुके हैं। ठीक है, और पहला ओवर की जो शुरुआत हो गई है, देखना अब पहले ओवर के पांच ओवर में ही पता चल जाता है कि मैच का जो स्कोर है वो किस ओर जाता है। तो आपने बता दें दर्शकों को कि आज का जो मैच है 21वां मैच धाबी में खेला जा रहा है, छोटा ग्राउंड है, कोलकाता वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच का मुकाबला जो है शुरुआत अब हो चुकी है। कोलकाता ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है, तो देखना आज ये होगा कि कौन सी टीम जीतती है। यहाँ पे दीपक चहर को भेजा गया है, वो जाने जाते हैं कि शुरुआती अपने ओवर में वो विकेट टेकर के रूप में साबित होते हैं। देखिए इसी के साथ वो पहले ओवर की पहली गेंद डालने आ चुके हैं और पहली ही गेंद दीपक चहर ने वाइड दे दी है। लेकिन एक रन उनके खाते में, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के खाते में जा चुका है। दीपक चहर ये गेंदबाज जो है इन पे सबकी नजर है, क्योंकि पिछले मुकाबलों में भी इन्होंने पहले ही ओवर में बड़ी विकेट के चटका दी। बिल्कुल, और इन्होंने इस टूर्नामेंट में चेन्नई के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव डाला है, लगातार विकेट लिए हैं, विकेट टेकिंग बॉलर माने जा रहे हैं अपनी टीम के लिए और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उम्मीद होगी कि आज भी अपने प्रदर्शन को जारी रखें। बिल्कुल जी, प्रदर्शन जारी रखना यहाँ पे एक अहम होगा बल्लेबाजों के लिए, और वहीं पे बात करें दीपक चहर की भी, तो उनके लिए भी अपना प्रदर्शन जारी रखना, एक अच्छी लय में रखना, गेंदबाजी को सटीक विकेट पर फेंकना और बल्लेबाजों के लिए दिक्कत लगातार बढ़ाते रहना, वो उनके लिए अहम होगा आज इस गेम में। और इसी के साथ दूसरी पहली गेंद, पहली बॉल जिस तरीके से वाइड गई थी और अगली जब बॉल डाली उन्होंने तो शानदार चौका मारा गया है त्रिपाठी की तरफ से, तो देखना ये होगा कि जिस तरीके से गलत गेंदबाजी की गई, मेरी नज़र में हमने देखा कि किस तरह गलत गेंदबाजी करी, उसका अच्छा इस्तेमाल करते हुए त्रिपाठी ने बैक की ओर चौका मार दिया और शानदार चौका मार दिया है पहली गेंद पे। देखिए पहली गेंद पर चौका लगा दिया है राहुल त्रिपाठी ने, यहाँ पे दोबारा से गेंद फील्डर के हाथ में जाती हुई, अब देखना होगा कि अब अगली गेंदों में किस तरीके से जो है प्रदर्शन करा जाता है, अच्छे शॉट्स देखने को मिलेंगे क्या नहीं। नितिन एक बार ये बता दीजिए, क्या लगता है कि हाँ से जो राहुल त्रिपाठी हैं शुभम गिल के साथ बड़े शॉट्स लगा पाएंगे दोनों खिलाड़ी? बिल्कुल लगा सकते हैं, युवा खिलाड़ी और हर मैच में लगातार रन बना रहे हैं, तो इनसे कोलकाता को भी और कोलकाता के जो दर्शक हैं उनको बिल्कुल इनसे उम्मीद होगी, क्योंकि एक यही खिलाड़ी हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल, तो नितिन देखिए प्रदर्शन यहाँ पे दोबारा से, देखिए शॉट खेला गया है बाउंड्री की ओर और एक बार गेंद फिर से फील्डर के हाथ में। नितिन इसी के साथ पांच यहाँ पे मेरे ख्याल से नितिन एक सिंगल चुरा लिया गया है, इसके साथ 6 रन पूरे हो चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के। जी, और इसी अब देखना ये होगा कि लगातार अब जो चेन्नई के ऊपर जो दबाव बना जा रहा था लगातार 3 मैच हार जाने के बाद, यहाँ के बाद किस तरीके से वो दबाव से निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते। देखिए इसी के साथ सीधा सवाल है मेरा कि आपको क्या लगता है, देखिए प्रेडिक्शन है यहाँ पे, एक बार प्रेडिक्शन कर दीजिए और लाइव तो हम आपको कमेंट लाइव हम आपको बता ही रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे लाइव अपडेट चल रहे हैं, तो एक बार नितिन प्रेडिक्शन बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि आज इन दोनों टीम में से किसका पल्ला भारी रहने वाला है। कोलकाता की पहले बात करें तो कोलकाता का जो मध्य क्रम है वो बहुत मजबूत है, मॉर्गन की बात करें, रसल की बात करें, लगातार रन बना रहे हैं और युवा में खाली जो पार्टनरशिप होती है तो वो खाली शुभम गिल हैं जो रन बना रहे हैं। हम चेन्नई की बात करें, धोनी जडेजा इनसे भी बहुत उम्मीद है, डिपेसू भी बहुत अच्छा खेले हैं, राडू भी दोबारा टीम में आ गए, वॉटसन भी अच्छा खेले, तो इनका जो बल्लेबाजी क्रम है बहुत ही अच्छा है, तो आज का मुकाबला देखने लायक मिलेगा।
तो देखिए यहाँ पे लाइव अपडेट अब हमने आपको बता दी है, इसी के साथ अब आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, पल पल की अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेंगी।